अखिल भारत हिंदू महासभा के मध्य प्रदेश राज्य के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र नायर ने हमारे चैनल के माध्यम से सतना की जनता के सामने अपनी बात रखी। आइए सुनाते हैं आपको अपने चैनल और घोषणा के माध्यम से। मैं जितेंद्र नायर, अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश प्रवक्ता, मैं सभी सतना वासियों का अभिनंदन करता हूँ। आज हिंदुओं की एक मत पार्टी अखिल भारत हिंदू महासभा सतना शहर में महापौर प्रत्याशी के तौर पर हाथ मर रही, जिनका दो गेहूं की बाली मिली। मैं सभी हिंदू भाइयों को एक चीज कहना चाहता हूं, और प्रत्याशी रविशंकर यादव जी को आपको वोट देना है कि जिस सपना को स्वर्णित विकास देना है तो हिंदू महासभा आपके साथ है। आपने अभी तक भाजपा, कांग्रेस, बहुजन सबका विकास सतना शहर में देखा है, और सतना शहर में आपने लगातार विकास देखा है। विकास के नाम पर सतना को ठगा गया है। हमें प्लास्टिक के पेड़ लगा के, कभी आरसीसी रोड पर डामर पोत कर विकास दिखाया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका मैं अखिल भारत हिंदू महासभा के तौर पर विरोध करता हूं। सतना का विकास यदि करना है तो एक 50 साल से 100 साल का एक मैप और एक नक्शा तैयार करना होगा, और उस नक्शे के आधार पर सतना का विकास करना होगा। हम आज महापौर बना तो एक ठो नया बन गया, दूसरा महापौर बना उसको तोड़ दिया, तो क्या एक बार बनाना और एक बार तोड़ने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान देंगे? यही विकास की श्रेणी है। यदि हमारे शहर की यही विकास की श्रेणी है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। कम से कम हमारे देश और सतना का यदि स्मार्ट सिटी बनानी है तो इसका एक नक्शा जरूर होना चाहिए। और मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करता हूँ, अखिल भारत हिंदू महासभा के रविशंकर यादव जी को दो गेहूं की बाली पर वोट दीजिए। घूम रहा है।